प्रदेश के मुखिया सीएम कमलनाथ का आज 74वां जन्मदिन है। इस मौके पर इंदौर शहर में विभिन्न तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंसदास मत स्थल गौशाला पर गौ सेवा के रूप में जन्मदिन मनाया। वहीं मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के निवास पर भतीजे और कांग्रेस पार्षद ने केक काटकर जन्मदिन मनाया, जिसके साथ शहर विकास का संकल्प लिया। हमने कमलनाथ जी का मंदिर आज जन्मदिन आज हमने गौ सेवा करके मनाया। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने से पूर्व इसी हंसदास मठ में आए थे। हंसादेश्वर महामंडलेश्वर स्वामी जी हमारे रामचंद्र जी महाराज जी के आशीर्वाद से और यहीं इन्होंने मन्नत का धागा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने उसके लिए लिया था। और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में 1000 गौशाला खोलने का वादा करा और वो वादा निभा भी रहे हैं। इसी को लेकर आज हमने जिस तरह से कमलनाथ जी ने बोला कि मेरे होर्डिंग पोस्टर बैनर ना लगाए जाए, मेरा जन्मदिवस सेवा कार्य के रूप में मनाया जाए, तो गौ सेवा से अच्छी सेवा हो नहीं सकती। इसीलिए आज हमने गुरु महाराज के पास आके उनसे आशीर्वाद लिया और उन प्रार्थना करी कि कमलनाथ जी दीर्घायु हों, शतायु हों और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थिर और संबल रहे। हमारे प्रेरणा स्रोत थे कमलनाथ जी। हम सब सज्जन सिंह वर्मा जी के सारे कार्यकर्ता और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए। और हम लोगों ने होर्डिंग भी नहीं लगाए इस बार जन्मदिन पे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का ही आदेश था कि शहर साफ और सुथरा दिखना चाहिए। और जिस तरीके से वो पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से विकास की गंगा पूरे प्रदेश में रही है, हमें चाहते कि पूरा प्रदेश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। और आज पूरे कार्यकर्ता सड़क पे हैं। इसके पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमको ये देखने को मिलता था कि वो खुद मुख्यमंत्री सड़क पे उतरा करते थे और उनका जन्मदिन मनाने के लिए, लेकिन आज पूरा जनसैलाब कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाने के लिए सड़क पर उतरा हुआ है।